ईश्वर की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी खुश रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें। ऐसी शुभ प्रार्थना करते हुए आप सभी के बीच में आप सभी को भगवान की परम पावनी कथा भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा है कि मैं तिथियों में एकादशी तिथि हूँ। एकादशी का व्रत जो भी करता है, इसकी कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, प्रभु की कृपा से उसके समस्त कार्य पूर्ण होते हैं। वो इस संसार में सभी प्रकार के सुखों का भोग करके अंत में भगवान श्री हरि के धाम को जाता है। ये एकादशी 2020 में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में 2 जून को पड़ रही है और ये व्रत सभी को करना चाहिए और जो असमर्थ हो करने में उन्हें कुछ खाकर रहना चाहिए। वैसे तो ये व्रत अगर पूर्ण लाभ प्राप्त करना है तो बिना जल के आप इस व्रत को करें और इस व्रत को करना थोड़ा सा कठिन अवश्य है लेकिन असंभव तो नहीं। तो इस व्रत को 2 जून 2020 को पड़ रहा है ये निर्जला एकादशी। इसकी जो तिथि है वो 1 जून को रात में ही लग जाएगी, रात में 2:57 से, और 2 जून को पूरे दिन रहेगी, रात में 12:04 पर पूरी हो जाएगी। तो 2 जून को पूरे दिन व्रत रहेगा। 3 जून को इसका पारण करना होगा और इसका समय जो द्वादशी तिथि रहेगी वो 5:23 से सुबह 8:10 तक रहेगी। और इसकी कथा इस प्रकार है। निर्जला एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जल भी नहीं पिया जाता है। ऐसा थोड़ा कठिन व्रत अवश्य है और इसकी पौराणिक कथा इस प्रकार है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। पांचों पांडव, पांचों भाई बड़े भक्त थे और बहुत श्रद्धा भक्ति भाव से श्रीहरि की उपासना अपनी माता कुंती और पत्नी द्रौपदी के साथ में करते थे। लेकिन उनके एक भाई भीमसेन, जो वायु देवता के पुत्र भी कहे जाते हैं, तो खाने पीने में अधिक ही वो शौकीन थे और बिना खाने पीने के पिए रह नहीं पाते थे, अपनी भूख को नियंत्रित नहीं कर पाते थे। इसी कारण वो किसी व्रत को नहीं कर पाते थे, यहाँ तक एकादशी व्रत को भी। भीम के अतिरिक्त बाकी सभी पांडव श्रद्धा भक्ति भाव से एकादशी का व्रत करते थे। भीमसेन बड़े लाचार हो गए थे अपने स्वभाव को लेकर, बहुत परेशान थे। तो उन्होंने अपने भाइयों से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा कि जाओ महर्षि वेदव्यास जी से पूछो। भीमसेन महर्षि वेदव्यास जी के पास गए और महर्षि वेदव्यास जी ने भीमसेन को कहा कि अगर साल में तुम किसी एकादशी को व्रत नहीं कर पाते हो तो निर्जला एकादशी व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की करो, जो तुम्हें सभी एकादशी करने का फल प्राप्त हो जाएगा केवल निर्जला एकादशी करने मात्र से। और फिर भीमसेन ने इसी व्रत को किया और उन्हें वही फल प्राप्त हुआ। उन्होंने बिना जल के इस व्रत को रखा किया श्रद्धा भक्ति भाव से, तो उन्हें वही फल प्राप्त हुआ जो और सभी एकादशी को करने से मिलती है। तो इस एकादशी को करने से और समस्त एकादशी को करने का फल प्राप्त हो जाता है। जिन ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, शरबत पिलाना चाहिए, दीन दुखियों की सेवा, जिससे भी आप जितना अधिक कुछ कर पाए उस दिन अवश्य ही करें भगवान की असीम अनुकंपा प्राप्त करने के लिए। अगर आप कर सकते हैं तो एकादशी व्रत अवश्य करें और भगवान के प्रेमी बने रहें तो भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रणाम, नमस्कार।